नमस्कार, अब खबर मऊ जिले से। उत्तर प्रदेश में महिला के साथ होने वाली हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी महिलाएं असुरक्षित हैं। ताजा मामला मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के गजियापुरी इलाके से सामने आया है, जहां एक महिला के साथ गैंगरेप की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला का आरोप है कि वह वाराणसी से अपने घर गजियापुर प्राइवेट बस में जा रही थी। बस के कंडक्टर खलासी और उसके दो सहयोगियों ने पहले तो छेड़खानी की, फिर उसके साथ एक ने बलात्कार किया। हालांकि मामला पुलिस ने दर्ज कर पीड़िता महिला को मेडिकल परीक्षण से कराने के लिए महिला चिकित्सालय ले जाया गया है। प्रदेश के मऊ जनपद में मधुबन थाना क्षेत्र के गजियापुर इलाके में वाराणसी से प्राइवेट बस के मधुबन क्षेत्र में अपने घर आने वाली महिला के साथ बस कर्मचारी द्वारा बलात्कार का मामला प्रकाश में आया है। उक्त महिला ने आरोप लगाया है कि बस कर्मचारियों द्वारा उसे घर पहुंचाने के नाम पर चलती बस में छेड़खानी की गई, फिर उसके साथ में जबरदस्ती बलात्कार किया गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज कर बस के दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित महिला के अनुसार मंगलवार को मधुबन थाना क्षेत्र के गजियापुर अपने गांव जा रही थी। वह वाराणसी से प्राइवेट बस से अपने घर आने के लिए सवार हुई। उक्त बस वाराणसी से चलकर मधुबन थाना क्षेत्र के गजियापुर में देर शाम पहुंचती है, जिसके बाद महिला को वहां से कुछ दूर स्थित अपने घर जाना था। देर शाम में अकेली महिला को अंधेरे व रात का हवाला देकर बस कर्मचारियों ने उसे अपने साथ घर पहुंचाने का झांसा देकर बस में रोक लिया और फिर उसके साथ बस लेकर निकले और फिर महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां का कहना है कि उसकी बेटी बस से घर आ रही थी, जहां उसके साथ बस में सवार कंडक्टर और खलासी के साथ उसके साथियों ने छेड़खानी की, फिर एक ने बलात्कार किया। मऊ से ATV न्यूज चैनल के लिए विनय श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट।